press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट कमर चीमा को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से मेजर गौरव आर्या जी और पाकिस्तान की तरफ से साजिद ताड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए से इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल पे है, फौज ये कह रही है कि हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनको ड्रैग करना चाहता हूं, वो उनको पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। और ये खित्ते में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर इसी तरह ये इकोनॉमिक फॉल आउट होता रहा और एक पॉलिटिकल कंसेंसस पाकिस्तान में ना बिल्ड हो सका। तो उसमें चीमा साहब, आपने जो ये क्वेश्चन किया है, इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, इसके सवाल के अंदर ही कुछ जवाब भी मौजूद है कि आज आप कह रहे हैं कि फौज कह रही है हमें ड्रैग करके ना लाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं उससे डिनाई करूंगा कि सारा सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले अगर आप लेकर आए हैं इन हालात पर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसकी सफाई भी, नंबर वन। इसके बाद दूसरा उसमें ये जो कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो इस तरीके से है कि फॉरन रिजर्व बिल्कुल, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का जो लंदन का दौरा है उसकी भी एक मेन रीजन यही है कि इकोनॉमिक हालात इतने खराब हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो अपनी स्पीच जो की, उन्होंने उसमें कहा है द कंट्री इज नॉट इन द ICU, कंट्री इज ऑन द वेंटिलेटर। सो बड़े सीरियस वर्ड्स हैं ये। और बिलखसूस मैं हमेशा एक चीज करता रहा हूं, मैंने कल परसों भी एक जगह पे एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि सारे लोग, हर पाकिस्तानी जेब में माजस डाल के फिर रहा है, लेकिन कोई भी चैनल उनको श्रीलंका की सूरत हाल नहीं बता रहा। वी आर इंचेज अवे फ्रॉम श्रीलंका, इंचेज अवे। एग्जैक्टली, पांच भाई थे वहां पे, 20 साल उन्होंने वही ड्रामा किया जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और उसके बाद चाइना के कर्जे, सो मेनी सिमिलैरिटीज। लेकिन अफसोस के साथ है कि किसी चैनल ने उसका कंपेरिजन नहीं किया जो हमारे बच्चे 18 से 24 साल के 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के इस वक्त सोशल मीडिया पे दमादम मस्कर अंदर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि पड़ोस में पक क्या रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया किस नजर से देख रही है सारी सूरत हाल को, सूरत हाल ये है कि मैं आपका बॉर्डर अगर भारत चाइना अफगानिस्तान के साथ ना होता तो कोई तवज्जो ना देता। भूटान भी है, भूटान को कोई नहीं जानता, नेपाल को कोई नहीं जानता। दूसरी आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इस्लामिक एटॉमिक पावर है, आप दुनिया का एक कंसर्न है, पूरे रीजन का एक कंसर्न है कि आप अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, आप अगर सियासी क्राइसिस से गुजरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो एक रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है। तो इस वक्त कंसर्न है, हालात आपके ये हैं कि आपने, मैं डाटा देख रहा था कि आपका एक साल पहले 124 नंबर था करप्शन में, आज आपका 140 नंबर है। तो ये जरा दो चीजों को थोड़ा हमें लिंक कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं मिल रहा, क्या इस तरह का प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं है, ना उन्होंने प्रीवियस आर्मी चीफ को बनाया और अभी भी, और इसको जरा काइंडली श्रीलंका के वाले से बताइए, क्या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि आप खुद फौज से, ऐसी कोई एपेटाइट है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे जाएंगे इफ लॉ एंड ऑर्डर गेट वर्सन? चीमा साहब, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट करा, इसका जो ट्रुथफुल आंसर है चीमा साहब वो ये है कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जनरल नरावने विल नेचुरली स्टेप इन टू दैट रोल, क्योंकि अब पता नहीं क्या सोचा है, क्योंकि ये मोदी सरकार का एक खास पेटेंट एक फॉर्मूला है कि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता लगता, ये अचानक हो जाती है कोई भी चीजें, आपको लगेगा कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, अचानक एक दिन पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी ये हो चुका है ऑलरेडी, ये कल हो चुका है, तो तब मीडिया को पता लगता। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि खाली रखना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि बहुत अहम पोस्ट है। देखिए, एक इंडिया का इंटरवेंशन रहा है श्रीलंका में पहले, हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन में इंडियन फोर्सेस श्रीलंका गई थी और LTT के साथ, उनका ये IPKF कहते थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इसमें भी लोग गए थे वहां पे और काफी ऑपरेशंस करे। और अच्छा है कि इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमने कोई फोर्सेस वहां पे नहीं भेजी, ना इंडिया को भेजनी चाहिए वहां पे। सर, ऐसा होता है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में जीत नहीं पाया,
ठीक है ना। ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को ये मतलब कोई बाहर की ताकत उसको दबा नहीं पाई, तो ये ना ये सब चीजें गलत हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा। अफगानिस्तान में अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का, अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया, इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है, आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल, पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, नहीं। जबकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो बड़े वाकयात हुए जिसमें मोदी साहब कश्मीर गए, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, और एक आपको पता है डिलिमिटेशन कमीशन भी बना है ताकि दोबारा वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं, और जबकि हमें यह भी पता है कि ग्लोबल आइसोलेशन है पाकिस्तान की कश्मीर के इशू को लेकर के, कि जिन ममालिक से हम नॉर्मली जाके पैसे ले कश्मीर पे बात करते थे, आज हम उनसे पैसे ले रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स के अंदर तारड साहब, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है इंडिया के साथ बात करने में और कश्मीर के ऊपर बात करने में, जरा इस पे बताइएगा, और ये जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है इसके पर्सपेक्टिव से। चीमा साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आज फिर मैं ये कहना चाहूंगा, कहते हैं हर चीज चेंज हो सकती है, पड़ोसी तब्दील नहीं हो सकते। और आपने 70-75 साल में कई तजर्बे किए हैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, कश्मीर इशू पर आपने कई तजर्बे किए हैं। आज की गवर्नमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके पास कहा जा सकता है कि आज ईवान में उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ही नहीं है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, लेकिन इसके कंट्रेरी मैं ये कहूंगा कि बात शुरू करने में कभी कोई मेरा बातचीत डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए, और उसमें दूसरा यह है कि स्टेक होल्डर हैं, बाजवा साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, और वो इस वक्त दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फेयर रिलेशनशिप और गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। और उसमें ये देखें कि डायलॉग शुरू करने में लूज क्या करना है, आपने कुछ भी लूज नहीं करेंगे। आप अगली हुकूमत आएगी किसी अच्छे मैंडेट के साथ, जो मैंडेट भी लेकर आती है, मेरे ख्याल में उसमें भी भारत के साथ डायलॉग नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जबानी कलामी कह देने से कि गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें या गुर्बत के खिलाफ निकलें, दोनों ममालिक, इससे बात नहीं चलेगी, आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कश्मीर के ऊपर भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी डायलॉग होना चाहिए। ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना और बातचीत ही ना करना कि जब तक फलां फलां चीजें ना मानी जाए उस वक्त तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे। 21st सेंचुरी, ये जो सेंचुरी है, इस इकॉनमी और अंडरस्टैंडिंग की सेंचुरी होनी चाहिए। इस दौर में लोग जंगे कर करके थक चुके हैं, फिर भी आके टेबल पे बातें खत्म होती। मेरे ख्याल में डायलॉग शुरू करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को भी और आने वाली गवर्नमेंट को भी डायलॉग रखना चाहिए, ट्रेड को खोलना चाहिए, ट्रेड जरूरत है दोनों ममालिक की। बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ इस वक्त, और मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि भारत खासकर इस वक्त ट्रेड में जिस तरह कई आईटी की टेक्नोलॉजी में काफी आ चुका है, आगे मेडिसिन में उनकी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, पाकिस्तान नीड टू स्टार्ट हैविंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट वर्सेस के आप बिल्कुल एक घटी पिटी चीजें लेकर 21st सेंचुरी में भी आप उसको एक तनकीद ब्राय तनकीद या फिर उसको एक आप नफरतों का दौर मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए, तभी आसूदगी शुरू होती है। लेकिन मैं आई एम इन अ फेवर ऑफ डायलॉग विद इंडिया, आई एम इन अ फेवर ऑफ डायलॉग ऑन कश्मीर इशू, और मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह मेजर गौरव आर्या जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे दोनों ने अपने अपने देशों की बात की, दोनों ने एक दूसरे की बेहतरी की बात की, और खासकर मेजर गौरव आर्या ने अपने अंदाज से पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।